तो दोस्तों आज हम बात करेंगे जमुना ऑटो के स्टॉक के बारे में। जमुना ऑटो के स्टॉक में नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक के लिए क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने को मिल सकते हैं उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे हम। अगर यहाँ पर स्टॉक की बात करें तो हम देखेंगे जो ये स्टॉक है ये अभी पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से हमको यहाँ पर लगातार डाउन ट्रेंड में देखने को मिल रहा था। पहले हमको यहाँ पर या अभी पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से हमको यहाँ पर स्टॉक में लगातार गिरावट देखने को मिल रही थी, लेकिन यहाँ पर गिरावट के बाद भी स्टॉक ने यहाँ पर अपने सपोर्ट जोन को यहाँ ब्रेक नहीं किया और अगेन हमको यहाँ पर स्टॉक में रिकवरी देखने को मिल रही है। आज भी हमको स्टॉक में 4.73% की यहाँ पर तेज़ी देखने को मिली है। तो यहाँ से अभी हम स्टॉक में बात करें, यहाँ से अगर अब स्टॉक में ये तेज़ी कंटिन्यू रहती है तो यहाँ से अभी और तेज़ी की कंडीशन की यहाँ पर और तेज़ी कंडीशन में हमारे पास स्टॉक में 120 का पहला यहाँ पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक इसको भी यहाँ ब्रेक करता है दैन यहाँ से हमको स्टॉक है 133, और अगर स्टॉक इसको भी यहाँ ब्रेक करता है दैन यहाँ से हमको स्टॉक में अगेन एक बड़ी तेज़ी एक बड़ी बाइंग यहाँ पर देखने को मिल सकती है। इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक है 149, देन यहाँ से हमको स्टॉक है 170 एंड देन यहाँ से हमको स्टॉक में 185 और 200 तक के लेवल्स भी यहाँ से अभी देखने को मिल सकते हैं। वही यहाँ से अब अगर स्टॉक में गिरावट आती है तो यहाँ सब गिरावट की कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक में 109 का पहला यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक इसको भी यहाँ ब्रेक करता है देन यहाँ से हमको स्टॉक में 99 तक के लेवल्स भी यहाँ से अभी देखने को मिल सकते हैं ऐसे नेक्स्ट यहाँ पर सपोर्ट। तो ये स्टॉक में कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, आप इन पर ध्यान दे सकते हैं। बाकी वीडियो में कोई बाय सेल होल्डिंग सलाह नहीं है, वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। धन्यवाद।